दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में टीवी के ऊपर माइंड रीडिंग को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चली और लोगों को ऐसा लगा कि ये माइंड रीडिंग जो है ये कोई विशेष कला है और ये इसको सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं दोस्तों, थोड़े से अभ्यास से आप इस तकनीक को डेवलप कर सकते हैं और ये नेचुरल क्षमता हर एक व्यक्ति में, हर एक बच्चे में होती है और ये हमारी स्वाभाविक क्षमता है और इस स्वाभाविक क्षमता को हम कभी जान भी नहीं पाते हैं, इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। तो सूक्ष्म तरंगे पकड़ने की हर मानव शरीर में एक नेचुरल कैपेबिलिटी है, यानी कि हमारा शरीर दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी रिसीवर और एनर्जी ट्रांसमीटर है। हम दुनिया की कोई भी वाइब्रेशन तरंगों को हम पकड़ सकते हैं और हम पूरे ब्रह्मांड में हम कहीं भी भेज सकते हैं। तो ये सूक्ष्म तरंगों का विज्ञान हमें जानकारी न होने के कारण हम इसको चमत्कार भी मानते हैं और हम इसको एक प्रकार से बहुत कठिन भी मानते हैं।